इसी बीच पहली गेंद कानपुर के सहारे खेला गया स्ट्रोक कवर्स के क्षेत्र में एक रन यहां पर जरूर पूरा किया है। टारगेट रखा गया है 28 रनों का। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार संदीप इस बार प्रहार जरूर किया गेंद काफी समय तक के हवा में वाला कैच क्या बात है संदीप व्हाट अ कैच एक हाथ से स्टॉप किया दूसरे हाथ से कैच को लपका और इस कैच की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा कैच ऑफ द डे ये जरूर रहेगा आज के दिन। विकेट जरूर गिरा जश्न का माहौल ग्राउंड के अंदर देखने जरूर मिलता हुआ बैट्समैन दिनेश अच्छी फील्डिंग और अच्छी बल्लेबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। टीम मोहन मास्टर की ओर से ये परफॉर्मेंस करते हैं। अब देखना ये है कि ये कितने रन जोड़ने में सक्षम और कामयाब रहेंगे। जब तक कि विकेटों के बीच में पुंडिया मौजूद है तब तक के मैच का दृश्य कुछ और नजर आता है। ये सम्मानजनक स्ट्रोक जरूर खेला है संदीप ने एक रन के लिए इस एक रन के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा है दो रनों पर दो रन यहाँ पर जरूर इंडिया ने ही लिए हैं अपने बल्ले से और अच्छी बल्लेबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। इंडिया लंबे हिट के धनी है बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर है 40 प्लस के एक डेंजर बैट्समैन के रूप में पहचाना जाता है इन्हें और इस वक्त नॉन स्ट्राइक हैंड पर है। आगे बल्ले से खेलने का प्रयास लेकिन एक रन के लिए दौड़ लगती हुई और यहां पर मेरे ख्याल से 22 के रूप में एक रन जरूर मिलता हुआ एक रन से ज्यादा दिखे हेलो मैच हो काय झालं इस बार ये गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए इस चार रन के साथ रनों की रन संख्या जा पहुंची है वो है 7 रन 1-2 पुष्पत्र स्पोर्ट्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है तो ताबड़तोप इसके बाद ग्राउंड का ताबा ले और मैच ऑन करें। इस वक्त देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट की मैं प्रशंसा जरूर करूंगा क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है। कीपर की थोड़ी सी चूक मनोज शिंगे की और यहाँ पर 22 या फिर इनर एज यस 22 के रूप में एक रन जरूर आता हुआ यस इनर एज लेकर ये एक रन कंप्लीट किया गया क्योंकि बैट्समैन के खाते में ये रन जुड़ेंगे जरूर। अब यहाँ पर मीटिंग की जा रही है कालिका माता की ओर से तो मीटिंग के लिए ज्यादा टाइम ना ले
स्कोर की अगर बात करें तो 8 रन 1 बॉल की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या दर्शाती हुई। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है विघ्नेश ने। आदिका माता स्पोर्ट्स के पास बॉलिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया है, संदीप, विघ्नेश, सागर और साथ ही साथ काफी अच्छे गेंदबाज इनके पास मौजूद है और खासकर इनके पास सबसे बड़ा सितारा जरूर वटाना। भविष्य आज इस टीम में अहम रोल निभाते हुए अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर सज्ज होते हैं। इस बीच ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद रही टॉक के रूप में। पिंडे की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डबल माइंड बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल खुलकर नहीं खेल रहे हैं। डबल माइंड बैटिंग करना ये बैट्समैन के लिए थोड़ा सा भारी साबित होता है जरूर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग में। इस बार प्रहार जरूर किया, गेंद जाती है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता, तीसरे रन का यहां पर डिमांड जरूर किया नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज ने और 3 रन दौड़कर पूरे किए। बिल्कुल इस 3 रन के साथ स्कोर 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। बिल्कुल यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो अब जाकर ऐसा लग रहा है कि खुलकर बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। जिस अंदाज में वो सिंगल डबल खेल रहे थे, मैच को थोड़ा सा क्लोज लाने की कोशिश कर रहे थे, इस वक्त वो अटैकिंग रूप धारण जरूर करते हुए सामना करने के लिए सज्ज होंगे इस वक्त दिनेश। दिनेश की अगर बात करें तो अब तक के अपना अकाउंट नहीं खोल पाए हैं, खाता नहीं खोल पाए हैं और इस बार स्विंग किया बल्ले को, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन मिलेगा जरूर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर है 12 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आता हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं राजू भाई स्पोर्ट्स प्रेजेंट राजू भाई चषक 2020 साल का पहला टूर्नामेंट और साल के पहले टूर्नामेंट का आगाज जो किया है राजू भाई स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा की टीम ने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टीमों को यहां पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है और साल की चैंपियन टीम पहली कौन बनेगी इसकी खोज अभी भी जारी। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत जरूर जताई थी, शॉट्स कर लेग पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 13 रनों पर। लक्ष्य रखा गया है 28 रनों का। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। अब तक के गेंदे हो चुकी हैं 4, 2 गेंदे आनी शेष इस वक्त विघ्नेश की। विघ्नेश की अगली गेंद, पिंडिया सामना करने के लिए तैयार होते हुए। इस बार पुल किया, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। जिस स्ट्रोक के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं पिंडिया, उसी तरीके से इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पर। 13 गेंदें बची हैं, अभी भी आना बाकी है। पिंटिया बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन तेज तर्रार गेंदबाजी जरूर देखने मिली। गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति। 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में जीत के लिए जो रनों की जरूरत है वो है इस वक्त लगभग 11 रनों की जरूरत। तांबा मिर्च वाला कौन मम्मी का नंबर है
गेंदबाज आए हैं सागर रूपीना आर यूपी आए हैं परफेक्ट ऑलराउंडर अपनी टीम है कालिका माता की ओर से पंकज बिल्कुल अगर बात करें मनोज की तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कान मंत्र दिया है अपने खिलाड़ी को जरूर क्योंकि टीम की कैप्टन है जिम्मेदारी उनके ऊपर ही होगी जवाबदारी उन पर ही होगी तो अब यहाँ पर देखना यह है कि सागर क्या अपनी टीम को मैच में वापसी करा पाएंगे क्योंकि 12 गेंदों में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत इसी बीच सागर की पहली गेंद जोरदार अपील अपील को नकारा है यहाँ पर अंपायर ने और एक रन लग बाईस के रूप में जरूर मिलता हुआ एक रन से ज्यादा कुछ नहीं इस एक रन के साथ स्कोर में थोड़ा सा परिवर्तन देखने मिलता हुआ 11 गेंदे जीत के लिए 10 रनों की दरकार इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर थी गेंद जाती हुई इस वक्त कवर्स के क्षेत्र में जब तलक के गेंद को फील्ड करते हैं खिलाड़ी दो रन दौड़ कर पूरे किए दो ही बल्लेबाजों ने स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर 8 रनों की जरूरत बची हुई गेंदे हैं 10 गेंदों में 8 रन बनाने जरूरी कंपल्सरी चीजिंग है ये चीज ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट मैच पुष्मात्र भाईंदरपाड़ा वर्सेज ओला स्पोर्ट्स ओला के बीच खिलाया जाएगा इसी बीच अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर और यहां पर देखिए और यहां दो रन की दौड़ लगती है गेम चेंजर के रूप में यहां पर लिया गया था भावेश को लेकिन यहां पर खराब फील्डिंग का प्रदर्शन उनके माध्यम से देखने मिलता है नौ गेंदे बची हैं और जीत के लिए 6 रनों की जरूरत है अब देखने वाली बात यह पिंटिया मौजूद है विकेटों के बीच में ये खिलाड़ी कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी एक रन यहां पर तेज गति से पूरा किया है एक रन से ज्यादा कुछ नहीं लेग बाइज के रूप में एक रन मिलता हुआ 5 रनों की दरकार गेंदें बची हैं लगभग 8 पर सागर की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार दिनेश इसी बीच ये गेंद इस बार प्रहार किया और ये खूबसूरत कैच संदीप ने इस कैच को लपका विकेट का हुआ है बदल न्यू बैट्समैन नरेंद्र नरेंद्र भारती एक बेहतरीन खिलाड़ी एक वाकई में बड़ा सितारा है बड़ा नाम है कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला ये खिलाड़ी नरेंद्र इस वक्त विकेट के बीच में इसी बीच अगली गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रो गेंद का भी समय तलक के हवा में और ये कैच विकेट का बदल इंडिया आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए मैच की स्थिति अभी भी बरकरार है बची हुई
छह गेंदे शेष हैं और छह गेंदों में रनों की जो जरूरत है वो है पांच। हैशटैग लाना तो वीडियो ने को वर्क ब्लू में जन आवे थे तो दे डेट ना वे आया था डिस्क्रिप्शन में डेट तो आप अपलोड है लो हैश हैश डेट टू डक हां लो गलो तो यानी को देखना लास्ट में आ लास्ट में। यस नरेंद्र आपके लिए इनामी राशि आती हुई गोलू की तरफ से। अगर सिक्स लगाकर इस मैच को समाप्त करते हैं तो गोलू की तरफ से तीन नंबर है 500 रुपए की नामी राशि। कुछ इनामी राशि लगाई है सर। शाम का टेबल बुकिंग क्या बात है। पैनल की तरफ से अगर आपने सिक्स मारकर मैच को समाप्त किया तो फाउंडर होटल पे पार्टी क्या बात। इसी बीच अगली गेंद ओहो मैच में यहां पर इस वक्त रोमांच बढ़ता हुआ। पांच गेंदे पांच रन मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ। पांच गेंदों में पांच रन की जरूरत है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जवाबदारी दर्शन ने संभाली है। दर्शन ने अपनी टीम को जीत के दर्शन तक ये पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। पांच गेंदों में पांच रन पांच गेंदे पांच मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। इसी बीच ये गेंद इस बार गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। अब स्ट्राइक देखना ये है कि कौन रखता है अपने पास। इस नरेंद्र रखते हैं स्ट्राइक अपने पास या फिर नॉन स्ट्राइक हैंड के जो बल्लेबाज हैं भावेश उनके पास स्ट्राइक रखते हैं क्या होगा क्या नहीं। यस सर यहाँ पर नरेंद्र ने स्ट्राइक अपने हाथ में ली है जिम्मेदारी खुद संभालेंगे। दर्शन अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। गति के साथ साथ टप्पा बहुत बढ़िया। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट करना है। यस यहां पर नरेंद्र के लिए किस तरीके से फील्डिंग सजाया जाए इसके बारे में चर्चा जारी है। चर्चा में समय ज्यादा खर्चा ना करें प्लीज। दर्शन यहां पर दर्शन की अगर बात करें तो मैच का सिचुएशन इन्होंने जरूर चेंज किया है। चार गेंदें बची हैं चार रन की जरूरत है। चार बॉल चार रन नरेंद्र सामना करने के लिए तैयार होते हुए। इसी बीच ये गेंद ये तेज तर्रार गेंद करने की चाहत महंगी साबित हुई। वाइड